नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। 5 अगस्त 2019 के बाद 5 अगस्त 2020 भी चला गया। उसके भी करीब 2 महीने बाद मंगलवार की रात को आखिरकार जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को भी रिहा कर दिया गया। रिहाई घाटी से आर्टिकल 370 हटाने से पहले से नेताओं की नजरबंदी से। पीएसए एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर के ये दिग्गज कैद कर लिए गए थे, लेकिन अब जब उन्हें अपनी काल कोठरी से निकलने का मौका मिला, तब भी उन्होंने कश्मीर राग अलापना नहीं छोड़ा। बेटी इंतजामिया ने मां की रिहाई के बाद उनके ही ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर महबूबा मुफ्ती का हर पल साथ देने के लिए शुक्रिया अदा किया। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी महबूबा मुफ्ती की रिहाई पर खुशी जाहिर की। उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती के ट्वीट पर उनका स्वागत किया। उन्होंने ट्वीट किया, उन्हें लगातार हिरासत में रखा जाना जमहूरियत के बुनियादी उसूलों के खिलाफ था। वहीं पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने भी महबूबा मुफ्ती की रिहाई पर ट्वीट किया, खुशी है कि महबूबा मुफ्ती को 14 महीने की अनुचित हिरासत के बाद आखिरकार रिहा कर दिया गया। दुख की बात है कि केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन को कानून के दुरुपयोग की भयावहता का एहसास नहीं हुआ। अपने एक और ट्वीट में चिदम्बरम ने लिखा, जम्मू कश्मीर की मुख्य धारा की सभी पार्टियों को केंद्र सरकार के अत्याचार से लड़ने के लिए एकजुट होना चाहिए। वहीं सीताराम येचुरी ने ट्वीट किया, लंबी अवैध हिरासत के बाद महबूबा मुफ्ती का स्वागत है। मोदी सरकार को 4 और 5 अगस्त को अवैध रूप से हिरासत में लिए गए अन्य लोगों को भी रिहा करना चाहिए। आपको बता दें, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के पहले प्रमुख नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था, जिससे घाटी के माहौल को खराब न किया जा सके। महबूबा मुफ्ती को भी 2 अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ हिरासत में लिया गया था। पहले महबूबा मुफ्ती को उनके मुख्यमंत्री रहने के दौरान वाले आवास गफूर रोड स्थित फेयर व्यू को उपजेल घोषित किया गया। उसके बाद पहले फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को रिहा किया गया। फिर महबूबा मुफ्ती की हिरासत को 1 अगस्त को ही 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया, जिसके बाद मंगलवार रात को उन्हें रिहा किया गया। और रिहा होते ही महबूबा मुफ्ती ने फारूक अब्दुल्ला की तरह आर्टिकल 370 को हटाए जाने का विरोध करना शुरू कर दिया।